Good morning to all of you. Okay, wantlessness definition, which is the fourth definition of economy, and the definition is given by J.K. Mehta. Before going to this, हमें कुछ remind कर लेना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा है. जैसे this is the fourth definition. तो first, second, third we all know. First definition, which is Adam Smith definition, well-centered definition. Second definition is welfare-centered definition, which is given by Marshall. And third definition is scarcity definition, which is given by Roberts. तीनों के basic meaning पता होना चाहिए. Well-centered definition totally focus on wealth. Welfare-centered definition totally focus on welfare. Scarcity definition maintain a proper or stabilize your relationship between welfare and wealth. That means welfare for maximum satisfaction according to the limited needs, wants, sorry, limited unlimited wants, and wealth which is limited resources. So limited resources and unlimited wants ke beech mein ek actual proper relationship maintain karna, this come under scarcity definition given by Roberts. जिसपे हमने इन द लास्ट वीडियो हमने तीनों डेफिनेशन के बाद में कुछ मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन के पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिसिमिलैरिटीज दोनों के ऊपर फोकस किया. एंड वी ऑल नोज हमने क्या सिमिलैरिटीज पढ़ी और क्या डिसिमिलैरिटीज पढ़ी. इफ यू डोंट नो देन मेक श्योर टू रिव्यू अबाउट द लास्ट वीडियो एंड क्लियरिफाई द टर्म्स सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. Due to these are the basic things we have to know about this. And the most important part of the lesson first, अक्सर इस type के question बन जाते हैं कि write down the four differences of Marshall and Robbins definition, write down the two similarities of Marshall and Robbins. Sometime हमारे लिए बड़ा question भी बन सकता है. Take a short note on similarities and dissimilarities of the definition of Robbins and Marshall. तो हमें ये चीजें clear होनी चाहिए. एक चीज और, अगर हमें similarities और dissimilarities clear हो गया तो हमें Robbins और Marshall की separate definition को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम dissimilarities से बहुत अच्छे तरीके से हम दोनों definition को explain कर सकते हैं. Okay. तो fourth one definition is wantlessness definition. सबसे पहले ना हम इस word को तोड़ के देखते हैं. Wantless नेस, तीनों का मीनिंग क्या होता है. वॉन्ट मतलब हमारे डिजायर, हमारी इच्छा. लेस मतलब लीस्ट होना, कम होना. नेस मतलब साथ में, इसके दैट मीन लेस वॉन्ट लेस नेस. वॉन्ट के बिना उसके साथ होना, दिस इज द प्रॉपर मीनिंग. जहां हम इस डेफिनेशन को आगे वाइडर रेंज में देख पाएंगे कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है. तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय J.K. मेहता. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम हम एक बेसिक मीनिंग इसका आइडेंटिफाई करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने ये कहा है कि पर्सन को वॉन्टलेसनेस होना चाहिए. दैट मीन एक पर्सन के पास में बहुत सारे डिजायर्स होते हैं. मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना. अगर आप देख लेंगे तो हमारी इच्छा होगी कि मुझे लेना है. तो अकॉर्डिंग टू J.K. मेहता उन्होंने कहा है कि लोगों को वॉन्टलेसनेस होना चाहिए, मतलब उन्हें उस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, अवेयर ही नहीं होना चाहिए कि उनके दिमाग में फिर ये चीज आए कि मुझे ये चीज खरीदनी है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए. एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ वी ऑल नो, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो अकॉर्डिंग टू J.K. मेहता उन्होंने वॉन्टलेसनेस को एक परफेक्शन में ये बताया कि लोगों को अपने डिजायर को कम करने के लिए उन डिजायर के बारे में कम अवेयर होना चाहिए, कम पता होना चाहिए और कम फोकस करना चाहिए, जिससे उनकी वॉन्ट आएगी ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होगी. तो उन्हें फुलफिल करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. गॉट इट टू ऑल? अगेन आई नो थोड़ा सा टफ है माइंड सेट का पाना. वॉन्टलेसनेस बेसिकली मैं, मुझे अगर मान लो कोई फोन चाहिए, अगर मैं देखूंगी ही नहीं, उसके बारे में पढ़ूंगी ही नहीं, अवेयर ही नहीं होगी, फोकस ही नहीं करूंगी, तो मेरे दिमाग में वो आइडिया ही क्रिएट नहीं होगा कि मुझे फोन चाहिए. तो अगर आइडिया क्रिएट नहीं होगा तो बेसिकली मेरा रिसोर्स का यूज करने का सवाल ही नहीं उठता. तो ये हमें J.K. मेहता ने बताया है वॉन्टलेसनेस डेफिनेशन के अंदर. हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं J.K. मेहता की. J.K. मेहता डेफिनेशन इज, इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन टू एंड वॉन्टलेसनेस.
सेम उन्होंने भी ये कहा, इकोनॉमिक इज अ साइंस जिन्होंने ह्यूमन को इसी डेफिनेशन के फॉर्म में दिखाया कि एक पर्सन कैसे वॉन्टलेसनेस होता है। ये जेके मेहता का व्यू है कि इकोनॉमिक को ह्यूमन को इस फॉर्म में देखना चाहिए कि पर्सन कैसे वॉन्टलेसनेस रह सकता है, क्योंकि शुरू से ये चीज बोलते हैं कि पर्सन वॉन्टलेसनेस नहीं हो सकता, अपने डिजायर कम नहीं कर सकता, तो उनके अकॉर्डिंग ये कि उन्हें आना चाहिए। एक कारण इसका ये भी है कि अगर मान लो आज उसकी एक नीड पूरी हो गई, कल दूसरी नीड क्रिएट हो जाएगी, अगर वो पूरी नहीं हुई तो वो अनहैप्पी हो जाएगा, जबकि इकोनॉमिक के स्टंप पे फोकस कर रहा है कि पर्सन शुड बी हैप्पी इन एवरी केस ताकि उसकी सारी नीड्स फुलफिल। हम अर्निंग भी इसीलिए कर रहे हैं कि अपने आप को हैप्पी रख सके। तो ये जेके मेहता की डेफिनेशन का व्यू पॉइंट है। ओके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से सबसे पहला पर्सन को अपना स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल करना चाहिए। अगर अपना स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल करेगा तो डेफिनेटली अपने वॉन्ट्स के ऊपर कंट्रोल करेगा और अनहैप्पी वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। सेकेंड वन है पर्सन एनी ह्यूमन इज ऑप्टेनिंग वेलफेयर। हर पर्सन को वेलफेयर ऑप्टेन करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मुझे अपने डिजायर कंप्लीट करने सिर्फ उसके ऊपर फोकस करूं, सिर्फ वेलफेयर पर फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मुझे मैक्सिमम वेलफेयर का मिल रहा है, दैट्स इट, मुझे वॉन्ट्स के कंप्लीट होने अकम्प्लीश होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड वन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इज टू मैक्सिमाइज द स्टेट ऑफ फुलफिलिंग द नीड ऑफ द माइंड। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू वॉन्टलेसनेस डेफिनेशन इज दैट कि हमारा जो माइंड है वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए काबू में होना चाहिए, क्योंकि हमारी नीड्स तो रोज क्रिएट हुई, बट मुझे कौन सी मेन नीड्स पूरी करनी, सिर्फ उस पर ही मेरा मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए। फोर्थ वन इज इन ऑर्डर टू एक्वायर वॉन्टलेसनेस स्टेट ह्यूमन शुड डिक्रीज द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू सच एक्सटेंट व्हिच मे नॉट गिव राइज टू मेंटल अनबैलेंस। फोर्थ है हमें जो रिसोर्सेज है उन्हें डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हुए तो हमारी नीड्स ऑटोमेटिक क्रिएट होगी, क्योंकि हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। अगर रिसोर्सेज नहीं हुए तो हमारे पास नीड्स क्रिएट ही होगी, क्योंकि वी ऑल नो पैसा है ही तो हम अपनी नीड कहां से पूरी करेंगे। तो दीज आर दी वर्डलेसनेस डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। हियर आर सम क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोफेसर मेहता आइडियोलॉजी। The first one is to think about difficult to think about existence of a wantless person. ये सोच पाना कि हर पर्सन वॉन्टलेस है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस और हमारी वॉन्ट कभी फुलफिल नहीं हो सकती। हम अपने माइंड को कभी इस स्टेट ऑफ जोन में नहीं डाल सकते हैं जहां पर हम ये सोचें कि हाँ मेरे वॉन्ट अपनी कम कर दी। हमने शुरू में ही इकोनॉमी के डेफिनेशन में ये चीज देखी है कि वी डज नॉट स्टडी अबाउट मेजर, वी डज नॉट स्टडी अबाउट सेंट पर्सन, तो ये पर्सन के लिए ही ये पॉसिबिलिटी आ सकती है, और अगर हम एक पर्सन की स्टडी करते तो वो इकोनॉमी की स्टडी नहीं कहलाती। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द क्रिटिसिज्म। डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ वॉन्टलेस पर्सन, नॉर्मल पर्सन के लिए ये हो पाना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस इज नॉट राइट। हम ये सोचे कि बिना अपने वॉन्ट को पूरी किए वो एक मैक्सिमम हैप्पीनेस के स्टेट पे जाए, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक पर्सन तभी खुश हो सकता है जब उसकी मैक्सिमम वॉन्ट्स जो है वो पूरी हो रही है। तो बिना उसके हम ये सोचे कि वो खुश रहे, अगर उसकी नीड्स नहीं भी पूरी हो रही है तब भी वो खुश रहे, तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। थर्ड वन है आइडेंटिटी ऑफ इकोनॉमिक्स इज लॉस्ट। अगर हर पर्सन ये सोच ले इन द इकोनॉमिक टर्म कि हमारे पास रिसोर्सेज होने ही नहीं चाहिए, अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोचेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टर्म अगर हर पर्सन
अर्निंग नहीं करेगा, वो एक जो हमारा जो साइकिल चल रहा है कि मैं कमा रही हूँ, मैं कमा के अपना घर चला रही हूँ, यही मेरा इकोनॉमिक साइकिल है, इकोनॉमी के अंदर काम कर रही हूँ, तो ये चीज कब हो रही है जब मैं रिसोर्सेज अर्न कर रही हूँ। जब हम रिसोर्सेज अर्न ही नहीं करना चाहेंगे तो हम इकोनॉमी को डेफिनेटली धीरे धीरे लॉस्ट कर देंगे, क्योंकि हम मनी अर्न नहीं करेंगे। मनी अर्न नहीं करेंगे तो इकोनॉमी का जो फॉर्म है, इकोनॉमी की जो एग्जिस्टेंस है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ओके, फिफ्थ वन है, फोर्थ है, इकोनॉमी इज नॉट कंप्लीटली आइडियोलॉजी साइंस। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग कि प्रोफेसर मेहता ने ये अज्यूम किया है कि इकोनॉमी एक आइडियोलॉजी साइंस है, जबकि कंप्लीटली हम इकोनॉमी को एक आइडियोलॉजी साइंस नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट इसको रियल साइंस भी मान रहे हैं और कुछ इसको ह्यूमन साइंस भी मान रहे हैं। सो दिस इज नॉट कंप्लीटली सेट कि इकोनॉमी जो है वो एक आइडियोलॉजी साइंस है। सो हियर वी विल कंप्लीट द प्रैक्टिसेस फॉर पॉइंटलेसनेस डेफिनेशन। थैंक यू।